जय प्रकाश भाई पटेल जी को और जिला के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के भाई शैलेंद्र यादव जी, मंच पर बैठे हजारीबाग जिला के प्रभारी हम लोग का गार्जियन के रूप में अशोक चौधरी जी, मंच पर बैठे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भाई शहजाद अहमद जी, अजय सिंह जी और मंच पर सभी पार्टी के सम्मानित नेता, पत्रकार बंधु यहाँ पर आए हुए, जगह जगह से पूरे बनी विधानसभा के नौजवान साथी, मेरी माताएं बहने, मैं सबको अपने ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सबको दोहार करता हूँ। आप जानते हैं कि चुनावी सभा एक सभा लोकतांत्रिक है, एक वोट देश कैसे बचेगा, संविधान कैसे बचेगा, इस पर चुनाव होने जा रहा। हम बाहरी के लोगों से कहना चाहते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है जय प्रकाश भाई पटेल, जय प्रकाश भाई पटेल के बारे में आप जानते हैं, स्वर्गीय टेकलाल चाचा का बेटा, आंदोलनकारी का बेटा है। आप जब वोट देने जाएंगे तो वोट देते ही इस राज, इस देश को एक वोट से देश बदलेगा, एक वोट से प्रधानमंत्री बदलेगा। और आपको वोट देने समय आपको ये सोचना पड़ेगा, तो यहाँ लोग आज उपस्थित हुए कि एक अगर वोट 20 तारीख को सुबह उठ करके पहले वोट मारिए, उसके बाद दूसरा काम कीजिए। और ये चुनाव हम समझते हैं अगर हजारीबाग को बचाना है तो भाजपा को हजारीबाग से भगाना पड़ेगा, भाजपा को झारखंड से भगाना है तभी झारखंड बचेगा। हम इसलिए कहने के लिए आए, अभी हम लोग ने बड़कागांव विधानसभा, चाहे रामगढ़ विधानसभा, चाहे मांडू विधानसभा, 100% हम लोग लीड कर रहे हैं, कहीं किंतु बंधु करने की जरूरत तो नहीं है। और बड़ी के लोगों को सोचना पड़ेगा, पता कर लीजिए, हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा, हम लोग इस गठबंधन का हम लोग बड़े भाई के रूप में काम कर रहे हैं। अब पता कर लीजिए, हमारा जो आदमी है, यहाँ के जो आदिवासी, यहाँ के जो मूलवासी, सबको सोचना पड़ेगा। और यहाँ का हमारा जो नेता है आदरणीय एकेला यादव जी, और इनके नेतृत्व में पूरा विधानसभा पूरे क्षेत्र में चुनावी का सरगर्मी चल रहा है, तो हम इसलिए कहने के लिए आए हैं, एक एक वोट हाथ खड़ा कीजिए सब भैया, देख रहे किसका किसका हाथ खड़ा नहीं है, हमारे मां बहन खड़े न कर। Thank you.
का दे देगा ये बोलते करो पर देखिए।